तो पाते हैं। देश में 29% बच्चे कुपोषित नहीं होते, मनाइए काश रामराज होता। दरअसल रामराज रामलीला से बाहर कैसे आए, मौजूदा वक्त का सवाल तो यही है। हर कोई रामलीला कर रहा राम के नाम पर, क्योंकि देश के नौनिहाल बचपन में जिस तरह राम की कहानी को सुनते हुए आदर्श राज्य का भाव हर कोई बुद्ध लेता है, वो पहली ही बीमारी में कैसे चकनाचूर हो जाता है। इसके फिर उदाहरण क्या क्या दिखाया सिवाय इसके, इस रामलीला को देख लीजिए और मनाइए रामलीला का रामराज आ जाए। मुश्किल है रामराज होता, हालात क्या है देखिए। राम फैजाबाद से अयोध्या आए तो पुष्पक हेलीकॉप्टर में तब्दील हो गया। लेकिन दीपावली तो हर वक्त मनाई गई, उस वक्त भी इस वक्त थी। अयोध्या में ऐसी रोशनी लेकिन अरसे बाद जैसी आज हुई ऐसे पहले हुई नहीं। लेकिन सवाल तो उन लोगों का है जिनके पास कोई पुष्पक विमान नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, मगर दीपावली मनाने घर जाना है। तो इस नजारे को देख लीजिए, ये नजारा सूरत रेलवे स्टेशन का है, प्लेटफॉर्म नंबर 4। हजारों लोग दीपावली मनाने के लिए यूपी बिहार जाना चाहते हैं, पेट की खातिर सूरत पहुंचे, लेकिन मौका दीपावली का है। उनके लिए भी तो प्रभु राम वनवास से लौटे हैं, तो दीपावली वो अभी घर जाकर मनाना चाहते हैं। लेकिन ट्रेन में जगह नहीं, कईयों के रिजर्वेशन बेकार हो क्योंकि ट्रेन में घुस नहीं पाए। कई ऐसे जो बीते 36 घंटे से लाइन में लगे हैं ताकि दीपावली पर घर पहुंच सके। 36 घंटा लगभग होने वाला है, आग लाइन में लगे थे, टिकट लिया हमने करीब 3 बजे, 3 बजे टिकट लिया, गाड़ी आया हम लोग का 10 बजे, 10 बजे आया नहीं चढ़ पाया। दरअसल दक्षिणी गुजरात के भरू, चंकलेश्वर, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड़ और वापी में बसने वाले करीब 20 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए सूरत से रोजाना उनके इलाके में जाने वाली इकलौती ट्रेन है ताप्ती गंगा, जिसमें सफर करना युद्ध लड़ने से कम नहीं, त्योहार में तो हालत बद से बदतर हो जाते हैं। मेरा 3 महीने से पहले से टिकट है, मेरा सूरत टू वाराणसी मेरे को जाना था, अभी मेरे तकलीफ है कि मैं अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ, इतने पब्लिक है वेटिंग और सब स्टैंडिंग, अंदर घुसने नहीं दे रहे। इन यात्रियों को तो आस थी, इन मजदूरों को आस थी, पर कहें बिहार यूपी से आए इन मजदूरों को आस थी। नरेंद्र मोदी जब सांसद बने बनारस से तो उन्होंने खुद को यूपी का बताया, यहाँ रहने वालों को आस जगी अब हालात बदलेंगे। सूरत और यूपी बिहार के बीच रेलगाड़ियां चलने लगेगी, क्योंकि पीएम खुद गुजरात के हैं और यूपी से चुनाव जीते हैं, समस्याएं समझेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, एक अदद नई ट्रेन को लेकर सूरत रेल संघर्ष समिति कई महीनों से आंदोलन अब भी चला रही है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रही। इस भाव के नाते हमारे उत्तर भारतीय रेल संघर्ष समिति की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जब तक ही हमारी मांगे पूरी नहीं होती थे और पीएम बनने के लिए बनारस पहुंच गए, लेकिन रेलगाड़ी गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच चल नहीं पाई। हालात आप देख रहे हैं, संजय राठौड़ की रिपोर्ट थी भरा है। जिक्र बार बार रामराज का हो रहा है, रामराज होता तो क्या होता, रामराज होता तो ऐसा होता वैसा होता, तो देखिए कैसा होता। रही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज वरयू बिसराई, सभी परस्पर प्रीति बढ़ाई। तो रामराज होता तो हाथी और शेर बिना बैर के एक साथ रहते और पशु पक्षी भी स्वाभाविक बैर भुलाकर प्रेम बढ़ाते, लेकिन रामराज तो है नहीं और अपराधी अपराधी